हेलो गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिन जिन मेरे फ्रेंड्स ने आरआरबी एंड लोको पायलट का फॉर्म फिल किया हुआ है, वो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता होता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कर लें ताकि फ्रेंड्स जो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ वो फ्रेंड्स समय समय तक आप तक पहुँच सके। ठीक है गाइज, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइट बंधु। अगर आपसे पूछा जाए वायुयान का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है तो इसका आंसर भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट बंधु। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप ऑप्शन डी में देख रहे हो प्लेटो। फ्रेंड्स ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा, सॉरी गाइस, सबसे बोना ग्रह है। ओके फ्रेंड्स, जो अभी हटा दिया गया है, अभी नहीं है फ्रेंड्स ये, लेकिन हटा दिया गया फ्रेंड्स पहले था। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन आए कि सबसे मतलब कि वर्तमान में पहले के समय में मतलब कि सबसे बोना ग्रह कौन रह चुका है, तो गाइस का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेटो। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया, इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाबोधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, एशिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, इसका आंसर ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुनगुना पक्षी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है तो फ्रेंड्स उसका आंसर है शुतुरमुर्ग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि ऐसा पक्षी का नाम बताओ इसका अंडा सबसे बड़ा होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी शुतुरमुर्ग ही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड एक शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी फ्रेंड जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है सारे पक्षियों में। ओके गाइज, एंड अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, गाइज ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, फ्रेंड्स का आंसर ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग। फ्रेंड्स ये नील आर्मस्ट्रांग एक ऐसे फर्स्ट व्यक्ति मतलब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो यूरी गागरिन, फ्रेंड्स अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रेंड्स का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरी गागरिन। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो आप ऑप्शन सी देख रहे हो, बछेंद्री पाल। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की ऐसी प्रथम महिला बताओ जो अंतरिक्ष में गई थी मतलब कि अंतरिक्ष में गई थी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बछेंद्री पाल। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राकेश शर्मा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्गरेट चान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो किरण बेदी, फ्रेंड्स ये हमारी आईपीएस ऑफिसर है फर्स्ट। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन है, फ्रेंड्स किरण बेदी है वो। ठीक है, और फ्रेंड्स आप जो ऑप्शन सी देख रहे हो अरुण जेटली, फ्रेंड्स ये हमारे वित्त मंत्री हैं जो फ्रेंड्स अभी वर्तमान में ही हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है, फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड्स जो आप ऑप्शन ए देख रहे हो भारत, फ्रेंड्स भारत जो फ्रेंड है वो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज फ्रेंड ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत एंड दक्षिण अफ्रीका से फ्रेंड्स एक ना क्वेश्चन जरूर पूछता है वो एग्जामिनर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस रिसर्च संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थगित हुई और 1946 में भंग कर दी गई, इसका आंसर है ऑप्शन बी, लीग ऑफ नेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, फ्रेंड्स इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, एंड फ्रेंड मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा फ्रेंड बहुत बेसब्री से, तो प्लीज फ्रेंड मुझको इसका आंसर कमेंट में देना। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, एंड थैंक यू सो मच।